कैसे आप सूद आप सब ठीक होंगे। आज मैं जिस अजीम शख्सियत के बारे में बात करूंगी वो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिले नस यहूदा बिन याकूब से जा मिलता है। आप अलैहिस्सलाम छोटे कद के थे, आंखें नीली, बाल हल्के और दिल के साफ इंसान थे। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर हुकूमत करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी हुकूमत को मजबूत कर दिया और यूं बनी इसराइल एक बार फिर यकजो हो गए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर बहुत से मोइज़ात नाजिल फरमाए। आप पर एक किताब भी नाजिल हुई जिसे जबूर कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक की एक सूरत में फरमाते हैं, हमने दाऊद को जबूर अदा फरमाई। आप अलैहिस्सलाम तमाम लोगों में सबसे खूबसूरत आवाज़ वाले थे। सही बुखारी की एक हदीस में है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत करते हुए एक सहाबी अबू मूसा को सुना। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी करात तवज्जो से सुनने लगते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मूसा, तुझे दाऊद जैसी बेहतरीन आवाज़ अता की गई है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को एक मौजज़ा बना दिया। आप अलैहिस्सलाम जब कुरान की तिलावत शुरू करते तो पहाड़ आप अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह शुरू कर देते और जब परिंदे ये आवाज़ सुनते तो उनके पास आकर अपनी गर्दनें झुकाकर बैठ जाते और तस्बीह में उनके साथ शामिल हो जाते और अपनी जगह से हरकत भी ना करते। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 में फरमाते हैं, ए पहाड़ों, इसके साथ राबत से तस्बीह पढ़ा करो। और परिंदों को भी यही हुक्म है। खुद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह का फरमान है, और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। इस तरह अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 79 में फरमाते हैं, और हमने पहाड़ को दाऊद के ताबे कर दिया जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी, और हम ही ये सब करने वाले थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम फरमा दिया। आप लोहे से इस तरह चीजें बना लेते थे जिस तरह लोग मिट्टी और गाड़े से चीजें बना लेते हैं। आप लोहे को इस्तेमाल करके एक खास अंदाज में जरा बनाया करते थे जो दुश्मन के वार से जिस्म को महफूज रखती थी। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत नंबर 10 में फरमाते हैं, और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया कि तू पूरी पूरी जरा बना और जोड़ों में अंदाजे रख। तुम सब नेक काम कहा करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे सब अमाल देख रहा हूँ। अल्लाह पाक सूरह अंबिया आयत नंबर 8 में फरमाते हैं, और हमने उसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि जंग के दौरान तुम्हारा बचाव हो सके। क्या अब तुम शुक्रगुजार ना बनोगे? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत को खूब मजबूत किया। आप लोगों में नहायत अदल व इंसाफ फरमाने वाले थे। आप नबी भी थे, बादशाह भी थे और काजी भी थे। आप अलैहिस्सलाम दिन को लोगों के फैसले करते और रात को अल्लाह की इबादत करते। जब आप अल्लाह की इबादत करते तो किसी को भी आपके पास जाने की इजाज़त न होती। एक रोज ऐसा हुआ कि दो आदमी बगैर इजाज़त के अंदर आ गए। दरवाजा बंद था लेकिन वो दीवार फैलांग कर अंदर आ गए। आप डर गए कि कोई हमला आवर न हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर नहीं कि वो दीवार फैलांग कर अंदर आ गए? जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अंदर पहुंचे तो उनसे डर गए और कहने लगे, हम दो फरीक हैं, हमारे दरमियान फैसला कीजिए और नाइंसाफी ना कीजिए और हमें सीधी राह बता दीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ क्या मसला है? इनमें से एक ने कहा, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है, और ये मुझसे कह रहा है कि ये मुझे दे दो और मुझ पर बड़ी सख्ती करता है ये।
99 दुम्बियों वाले भाई ने बोला कि तुम अपनी दुम्बी को भी मेरे साथ चढ़ने के लिए भेज दो। जब मैंने चढ़ने के लिए भेजा तो ये कहने लगा कि ये एक दुम्बी भी मेरी है, अब मैं खाली हाथ हूँ और इसके जुल्म का निशाना बन चुका हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन बोला कि इसका ये काम बहुत जुल्म वाला है, इसने अपनी दुम्बियों के साथ तुम्हारी एक दुम्बी मिला ली है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे भाई की बात बिल्कुल न सुनी और उसे जालिम ठहरा दिया। इसी में दूसरा भाई बोल उठा कि आपने मेरी बात सुनी ही नहीं और फैसला सुना दिया। इतने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बोला, हाँ ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और उन्होंने अल्लाह की तरफ रजू की और इस्तगफार की। ये अल्लाह ताला की तरफ से उन पर एक आजमाइश थी। कुरान पाक की एक आयत के मफहूम के मुताबिक, ए दाऊद हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक से फैसला किया करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा नेक इंसान थे, वो कसरत से रोजे रखते थे, आप खूब इबादत गुजार थे। सही बुखारी की हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक, नमाजों में सबसे मकबूल नमाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की है और अल्लाह ताला की तरफ सबसे कबूल रोजे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद आप सबको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताना था। आज की वीडियो खत्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। आप सबने अपना ख्याल रखना है।